अपनी इन राही में समाहित होते चले जाएं। अपने आप से कनेक्शन जोड़ लेना, अपने आप को देखने वाले होना, अपनी ओर जागना, विश्राम पूर्ण हो जाना अपनी श्रुति में। जागे जागे देखते रहना भीतर की गति को। व्हाट ए वंडरफुल इनर जर्नी, ए रियल पिलग्रिमेज। दिस इनर जर्नी, वेरी पर्सनल जर्नी, वेरी रिवार्डिंग जर्नी, फ्रॉम टेंशन टू ट्रैंक्विलिटी, फ्रॉम स्ट्रेस टू सीरेनिटी, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम माइंड टू द मास्टर, टेकिंग ए टूर ऑफ दिस विश्वास मेडिटेशन इनटू एन इनर टारेन, अ वंडरफुल इनर जर्नी, लाइफ जर्नी। अपनी राह पर जागे जागे रहना, अपनी जीवन दिशा में जगमगाती रहना, अपनी ओर उन्मुख रहना, सूरजमुखी फूल की तरह खिले खिले अपने महासूर्य के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, अस्तित्व के प्रति, अपने एनलाइटेंड स्टेट को जगमगानी है तो थोड़ा जागे जागे रहना, बहुत सहज में जागे जागे देखते रहना। हम सबके पास भीतर देखने की आंख है, हम सबके पास बराबर अधिकार है, हक है अपने को देखने का। वहां किसी की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, वहां किसी को भी साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, किसी का साथ संग नहीं चाहिए। सीधा डायरेक्ट प्रवेश तेरा पूरा अधिकार है, अपने घर में उतरने का, अपने घर में प्रवेश करने का, अपने दशम द्वार में जगमगाने का, अपनी सुरती को जगमगाने का। ये हक, ये अधिकार जन्म से हम सबको बराबर है अपनी थर्ड आई में रहने का। ये अवसर चूकना नहीं, अवसर आविष्कार के लिए उतरा है, अस्तित्व जगा लेना, तुम अपना भीतर जान लेना, तुम माइंड से मुक्त होकर की मालिक होकर की जी लेना। ये सुपर साइंस, परम विज्ञान, तेरे जीवन का धर्म है। ये रूपांतरण की क्रांति, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बात तेरा कर्म है। सर्वप्रथम इसी ड्यूटी को निभा, इस कर्तव्य को निभा, अपने अंधेरे दूर कर, अपने आप को एनलाइटन करके जी, अपने आप को प्रकाशमान करके जी, अपने स्वभाव में जी, दोनों ओर जाग करके जी। इसी के लिए आप जागे जागे रहना, प्रतीक्षारत रहना, मौन मुदित भाव में जागे जागे देखते रहना। जो भी हो रहा है उसको देखना बहुत आसान है, कंसंट्रेशन, परंतु नहीं मिलेगा जीवन का शिखर, नहीं बदलेगा बिहेवियर,
उससे भी सहज आसान और अधिक मेडिटेशन है, जिसमें करना ही कुछ नहीं, केवल अपनी खबर रखना, जागे जागे रहना, पल पल जागे रहना, वर्तमान में रहना, माइंड के साथ कम से कम जाना, विचारों में लिप्त नहीं होना, कहीं इंडल्ज ना होना, अपना दामन बचाए रखना, अपनी सुरती में रहना। अब स्वाभाविक रूप में जागे जागे विश्राम पूर्ण अपने अस्तित्व में उतरना, तुम जागना, जागना ही जीवन है, तुम जागे रहना, हर ओर से हट करके तुम जागे जागे देखते रहना, अपने भीतर की स्थिति को, हर हालात को देखते रहना, तुम देखने वाले हो, केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना भीतर की गतिविधियों में, मन माया के विस्तार में कहीं दखल अंदाजी नहीं करना, कहीं दखल नहीं देना, इस मन के खेल को जागे जागे देखते रहना, मन के प्रति पूरी तरह जागना, मन के स्वभाव को समझना। यू आर नॉट ए माइंड, रिमेंबर इट, दिस रिमेंबरेंस विल हेल्प यू टू बी थॉटलेस वन डे। राइट थिंकिंग प्रिवेल्स व्हेन यू बिकम थॉटलेस। ये एडवेंचर है तेरा, जो एक दिन तेरे अस्तित्व को जगमगा देता है। ये परम कर्तव्य है तेरा, जो तेरे परम विज्ञान को, परम शक्ति को जगा देता है। कर तो निभा पाए, तो निहाल हो जाए, अवसर चूकना नहीं, अस्तित्व जगा लेना, जागे जागे रहना, जो भी सामने तेरे समक्ष तेरे भीतर घटित होता है उसको निष्पक्ष भाव में देखते रहना, अकर्ता दृष्टा होकर के रहना, नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, माइंड की डूइंग्स को देखने वाले होना, ये साहस ये हिम्मत माइंड को फेस करने की तेरे भीतर प्रचुर भरपूर है, तो अपना सामर्थ्य अपना पोटेंशियल जगा, अपने को देखने का एक कला जगा, बाहर भीतर दोनों और जाग करके जी, संयुक्त होके जी, जीना सार्थक हो जाएगा, कीमत पड़ जाएगी इस मिली हुई जिंदगी की। अपने आप को ग्रेट महान बनाने के लिए न जाने कितना कितना दौड़ आपाधापी दौड़ धूप लगाते हो, घंटा फिर भी टोटैलिटी शांति मस्ती आनंद संतुष्टि हाथ नहीं लगती, फिर भी कमी रह जाती है, जीवन अधूरा होता है। यू मे बी ग्रेट बट यू कांट बी टोटल। जब तक टोटैलिटी हाथ ना लगे, बाहर भीतर दोनों ओर का जागा, दोनों ओर का जागरण हाथ ना लगे, तब तक बाहर की प्राप्तियां, बाहर की उपलब्धियां, बाहर की ग्रेटनेस दो कौड़ी की है। ये तुम शिखरों के मालिकों से, बाहर के शिखरों के मालिकों से, उनके अनुभव से सीख लेना, स्वयं जान लेना, हाथ क्या लगा।
अपनी ओर जागना, बाहर बहुत जागी हो, हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जागी हो और भीतर सदा के लिए सो गए हो, भीतर सदा के लिए खो गए हो मन के अंधेरों में, विचारों की दुनिया में। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ये दुर्घटना बहुत दुखदायी है, बहुत दुखपूर्ण स्थिति है। तुम थोड़ा माइंड से हट करके देखना, कोई पकड़ नहीं रह जाएगी, एक प्रेम ही प्रेम रह जाएगा। हर मिली हुई वस्तु व्यक्ति व्यवसाय को तुम अमानत समझोगी, तुम अपना कर्म कमाओगे, तुम अपनी ड्यूटी बजाओगे, परंतु कोई पकड़ नहीं रह जाएगी। पकड़ है ये, अटैचमेंट है तेरी मिजरेबल लाइफ का कारण, तेरी मिजरीज का कारण, तेरे दुखों का कारण। एकमात्र माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन तदात्मा है, हम सब के दुखों का कारण है ये अज्ञानता है कि हमें अपना पता नहीं, अपना पता नहीं, दुनिया भर का पता है, अपना पता नहीं। आश्चर्यों का आश्चर्य है यह, अपना ही पता नहीं, मैं हूं कौन, खोज लेना भीतर उतर के, अपनी ओर जाग करके जान लेना, बहुत जरूरी है मानव जन्म में ये जानना। सर्वप्रथम सर्वाधिक सर्वप्रिय हो जाना चाहिए, ओ ओंकार आमीन आमन। तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवानी कहाँ जाती, जिन्होंने तेरी मस्ती का एक घूंट पिया, तेरे सानिध्य में बैठ करके, तेरी संगति में उतर करके थोड़ी प्यास उठाया पीने पिलाने की, वो दीवानी फिर कहाँ जाती, कहाँ जाती। तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवानी कहाँ जाती, जो बाबस्ता हुए तुमसे, जो बाबस्ता हुए तुमसे, वो अफसानी कहाँ जाती। निकल कर दैरो काबा से अगर मिलता न मैं खाना, निकल कर रूहानियत का आलम रूहानी मैं खाना, निकल कर दैरो काबा से सब तीर्थों से, निकल कर दैरो काबा से अगर मिलता न मैं खाना, डकशाई का मैं खाना छलकता हुआ तरोताजा नित नवीन नूतन जाम छलकाता हुआ मस्ती के, अगर मिलता न मैं खाना
अगर मिलता न मैं खाना, निकल कर दरों का वासी, अगर मिलता न मैं खाना, 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 ओ हम प्यासे तेरे दर के, खुदा जाने कहाँ जाते, तो हम प्यासे तेरे दर के, खुदा जाने कहाँ जाते। अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, काम आ गई दीवानगी अपनी, चलो अच्छा हुआ, काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना वगरना हम जमानी भर को समझानी कहाँ जाती, बगर ना हम जमानी भर को समझानी कहाँ जाती, बगर ना हम जमानी भर को समझानी कहाँ जाती। तेरी दीवानगी क्या रंग लाई, चारों तरफ की इस संसार को समझाने की जरूरत ना पड़ी, हमें समझाने की जरूरत ना पड़ी, इस जमाने को, इस दुनिया को, स्वयं तेरी दीवानगी ने जवाब दे दिया, तेरे प्रेम प्यार मोहब्बत के नगमे ने स्वयं दुनिया भर को समझा दिया कि हम किस दिशा के पक्षी हैं, हम किस मायकदे के मायखाने के छलकते हुए परवाने हैं, और परवाने दीवाने हैं किस दिशा की, किस क्षमा की। ये हमारी दीवानगी ने ही समझा दिया, हमें समझाने की जरूरत ना पड़ी, हमें उनको जवाब देने की जरूरत ना पड़ी। जो भी घटनाएं घटित हुई, लोगों को कितनी अच्छी लगी बुरी लगी, परंतु समझाने की जरूरत ना पड़ी, तेरी प्यास ने, तेरे दर्द ने, तेरी दीवानगी ने स्वयं दुनिया को समझा दिया। वगर ना हम जमानी भर को समझानी कहाँ जाती, वगर ना हम जमानी भर को समझानी कहाँ जाती, चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तेरी प्यास तेरी दर्द दीवानगी में क्या गजब घटना घटी, चलो अच्छा हुआ, काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने भर को समझानी कहाँ जाती, वगरना हम जमाने भर को समझानी कहाँ जाती। गली लपना मुकदर गम से बेगाना अगर होता,
कली लप नाम कदर गम से बेगाना अगर होता तो फिर अपनी पराई का हमें ये ज्ञान कब होता। तो फिर अपनी पराई का अपने पराये का पता लगता है जब हम गम में होता है, जब हम दुख में होता है, जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम विपरीत हालात में होते हैं, तो ही पता चलता है कौन अपना कौन पराया। तो फिर अपनी पराई का हमें ये ज्ञान कब होता। तो फिर अपनी पराई का ये ज्ञान हमें कब कब होता। जीवन की घटनाएं हैं, अच्छी तरह समझ लेना, बार बार उन रुकती में नहीं जाना, रेपिटेटिव स्टेट नहीं, कदाचित नहीं जीना, माइंड की रेपिटेटिव स्टेट्स दिन रात हमको जन्म मरण के बंधन में डाल करती हमारा सत्यानाश करती चली जाती है। हमें जब एक बार अनुभव हो गया कौन अपना है, मालिक के बिना कोई अपना नहीं है, सब पराया है, क्या निकट के क्या दूर के, सब पराये ही पराये हैं, अपना केवल परमात्मा, एक मालिक, एक प्रभु, एक प्रीतम, एक साहिबा, जो हर हालात में हमारी सुरक्षा करता है, हमारे अंग संग रहता है। तूने उससे प्रीति कभी नहीं जोड़ी, कभी प्यार नहीं किया, कभी प्रेम मोहब्बत का नगमा नहीं गाया उससे, अगर एक बार उससे भी प्रेम करता तो कितना वंडरफुल जीवन होता तेरा, क्या गजब की जिंदगी जीता तो सदा स्वस्थ, आनंदित, मुदित, सदा प्रेम पूर्ण, सुख पूर्ण, एकमात्र जगमगाती हुई आभा विभा बनकर के उतरता इस धरती के ऊपर, नूर नूर होकर के, सितारा होकर के जगमगाता हुआ जीवन जीता तो तेरी कीमत बढ़ जाती। अब सारा जन्म कहाँ गवा रहा है, कहाँ गवा रहा है, अनमोल घड़ियों को, अनमोल सांसों को, अनमोल जन्म को कहाँ दे रहा है, माइंड के हाथ दे रहा है, माइंड की दुलत्तियों में दे रहा है, माइंड की डुअलिटीज में दे रहा है, माइंड के अंधेरों में जी रहा है। कितना मुकद्दर तूने स्वयं गवा दिया है, स्वयं बिगाड़ लिया है, तेरे अपने कारण है। ये आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड इज द रूट कॉज ऑफ योर ऑल मिजरीज। ये आइडेंटिफिकेशन काटना है, इस आइडेंटिफिकेशन को दूर कर देना है। तुम माइंड नहीं हो, तुम माइंड से हट करके मालिक हो माइंड के। माइंड पराया है, अपने पराये का ये भेद रखता है, माइंड डुअलिटी है। इन दोनों से हट जाना, माइंड से हट जाना, तुझे पता चल जाएगा अपने जगमगाते हुए मुकद्दर का, क्या गजब मुकद्दर है तेरा जब तू मालिक होकर के जीता है। कली लप नाम कदर गम से बेगाना अगर होता, गम से बेगाना अगर होता तो फिर अच्छे पराये का हमें भी भान कैसे होता। तो फिर अच्छे पराये का हमें ये ज्ञान कब होता। तो फिर अच्छे पराये का हमें ये ज्ञान कब होता। मेडिटेशन एकमात्र तुझे भान कराएगा, कोई अपना नहीं, सब हिसाब किताब है, सब प्रकार का लेन देन हिसाब किताब चुकता होते ही हम एक दूसरे से अलग होते जाते हैं, हम एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, एक दूसरे से बिछोड़ा होता जा रहा है। ये सब लेन देन का रिश्ता है, अपनी थर्ड आई से देख लेना तो स्वयं अपना अनुभव कर लेना, कौन है तेरा यहाँ, कौन है तेरा, कौन है तेरा। इसे माइंड की भ्रमित स्थितियों में पड़ा हुआ, माइंड की भ्रम में पड़ा हुआ, माइंड के हाथ लगा हुआ मानव चोला कितना कलंकित हो रहा है, कितना दागी हो रहा है,
बचा अपने आप को, माइंड से बचा। माइंड इज दुनिया, माइंड इज संसार, माइंड इज ओनली ईगो, अहम अहंकार का डेरा। माइंड से थोड़ा हट करके दे, माइंड का भी कल्याण हो जाएगा। माइंड पे तेरी नजर उतरी, माइंड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, माइंड तेरे अंतर्गत हो जाएगा, माइंड का भी कल्याण हो जाएगा। ये मनवा जन्म मरण में भटकेगा नहीं, ये जीवन ज्योत उतार देगा। ये जीवन ज्योत जगमगाती हुई आत्मिक ज्योत में उतर करके अंतर्गत होकर के जी लेगा तो ये भी आबाद हो जाएगा, इसका भी कल्याण हो जाएगा। अगर तू जागेगा ना, तेरा तो होगा ही, तेरे माइंड का भी हो जाएगा, दोनों और कल्याण होगा, तो सदा के लिए आबाद हो जाएगा। ये जन्म तो कुर्बान कर ही दे तू मालिक पर, वरना सारे जन्म आज तक तू जन्मों जन्मों से माइंड पर ही कुर्बान रहा और माइंड ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। माइंड ने खूब भटका भटका करके हर जन्म में तुझे दो कौड़ी का बना करके विदा किया, मौत ही मौत दिया। लोग कहते हैं हम जीवन जीते हैं, हम कहते हैं कोई जीवन विरला ही जीता है, सब मौत को ही जीते हैं, हम सब मौत जी रहे हैं, मृत्यु जी रहे हैं, पल प्रतिपल मौत की ओर जा रहा है। ये तो जन्म से चली हुई यात्रा मृत्यु की ओर जा रही है, ये जीवन नहीं है। जीवन है अपने स्वभाव में जगमगाना, वक्त की पहचान करना, वक्त की कीमत डालना। वक्त तेरे द्वार पर आया है, इसका लाभ उठाना, इसका सदुपयोग कर लेना, विराट होकर के जीना, माइंड से बियॉन्ड होकर जीना, बियॉन्ड माइंड होकर के अपने अस्तित्व में जीना, ये एकमात्र तेरा एडवेंचर तुझको आबाद करता है, तेरी कीमत डालता है। यही है एकमात्र कर्म मानव जन्म का। अगर तूने ये कर्म नहीं कमाया तो दुनिया भर का शिखर पा लेना, हाथ खाली पश्चाताप लेकर के दो आंसू बहाता हुआ संसार से जाएगा, तेरा कोई नहीं है यहाँ, तो स्वयं अनुभव करेगा उस समय जब तेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। पहले ही अनुभव कर लेना अच्छा है, पहले ही अपने आप को स्वतंत्र कर लेना अच्छा है। बाहर की स्वतंत्रता से बड़ी, बाहर की आजादी से तुम बड़ी बड़ी पहचान रखते हो, बाहर की तुम आजादी, बाहर की स्वतंत्रता, हर घड़ी हर पल दूसरों से सेपरेट होके जीना, इंडिविजुअल जीना, ये बहुत आता है आपको, किंतु माइंड से स्वतंत्र होके जीना नहीं आता। वो परम स्वतंत्रता है, वो अंतिम स्वतंत्रता है, अल्टीमेट फ्रीडम है, जिसके बिना तेरी जन्म की कीमत नहीं पड़ सकती, तेरी जीवन ज्योत तेरे हाथ जगमगाती हुई नहीं, नसीबों में उतर सकती। और ये नसीबों में उतरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये कर्म इन सांसों के रहते रहते कमा लेना, वक्त की कीमत डालना। इसीलिए कितना सुंदर कहा दीवाने प्यासे रिंदों ने, तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते, 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 जो वाबस्ता हुए तुमसे, जो वाबस्ता हुए तुमसे, जो वाबस्ता हुए तुमसे, वो अफसाने कहाँ जाते।